What's up everybody, so welcome back to the channel. So आज काफ़ी दिनों बाद गाड़ी पे बैठ के वीडियो बनाने का मतलब कि टाइम मिला है, मतलब तो आज काफ़ी दिनों बाद मतलब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है और थोड़ा मतलब अजीब भी लग रहा है कि भाई हेलमेट मतलब मैंने काफ़ी दिनों बाद पहना है, गाड़ी पे भी काफ़ी दिनों बाद मतलब कि ऐसे चला रहा हूँ हेलमेट के साथ, तो थोड़ी सी अभी आदत मतलब छूट गई है, तो जैसे जैसे मेंटेन किया जाएगा इसको और आज का वीडियो मतलब कि बनाने की कोशिश की जाएगी थोड़ी सी। एक मिनट, ओए मारी। सो अपनी बाइक वैसे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि इसमें अब कोई भी काम बाकी नहीं रहा, वायरिंग भी हो चुका है, इंजन का काम भी हो चुका है, मतलब कि जितनी अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम सारी थी वो सारी दूर हो चुकी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई हमने अपनी गाड़ी में क्या क्या चेंजेस किए हैं कि जिससे कि अपनी गाड़ी में मतलब कि कितना खर्चा आया, रिस्टोरेशन वगैरह सब। सो आज इसका होने वाला है छोटा सा वॉक अराउंड, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, वॉक अराउंड करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं खाली वाली जगह पे और बनाते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो पूरा देखना भाई। सो फाइनली अभी आ चुके हैं हम अपनी खाली वाली जगह पे, तो ये है अपनी बाइक का फाइनल लुक, जो कि आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि भाई कैसी है। सो इसने क्या क्या चेंजेस किए हैं मैं बताता हूँ। जैसा कि पिछली मतलब कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अपनी मेरी बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम है, सो उसमें मैंने बताया था कि भाई एक किक नहीं चल रही थी, फिर पावर का वो स्विच का प्रॉब्लम था, ये इंडिकेटर्स जो थे वो बुलेट के थे। सो फिलहाल इसमें किया गया है जो काम वो बताता हूँ कि भाई पहले तो ये वाले दो मतलब लगाए गए थे, ये दो टूटे हुए थे तो इसको वापस से लगाया गया, और ये अपने क्या बोलते हैं इसको थ्रोटल माउंट भी बदल मतलब कि लीवर्स बदल दिए गए हैं, फिर अपना जो क्रोम पार्ट इसमें जितना भी लगा है उन सबको रीबफ किया गया है, फिर हेडलाइट में नया लैंप लगाया गया है, उसकी वायरिंग भी की गई है। और ये वाला अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये अपना था ब्लैक कलर का, तो इसमें भी मतलब कि नया क्रोम लगाया गया है और ये इंडिकेटर्स तो आ गए हैं, फिर अपने पिछले वाले जंप भी सही करवाए गए हैं, सीट नहीं बनाई गई है वो भी पूरी ब्लैक की गई है, और इंजन में तो वैसे वो आता है ना क्या बोलते हैं उसको मतलब क्लच प्लेट को मतलब कि उसमें प्ले थी तो उसको भी थोड़ा ठीक करवाया गया है। और दूसरा जो है कि भाई इस गाड़ी को पूरा पेंट किया गया है, ये इंजन पेंट किया गया है, फिर चेसिस मैग व्हील सब, और इसमें ये रेडियम वाला वर्क भी किया गया है, और ये वाले नए मिरर लगाए गए हैं, जैसा कि वो पिछली वाली वीडियो में भी थे पर उसके मतलब थोड़े दिन पहले ही मैंने लिए थे, तो भाई मिरर भी इसमें इन्वॉल्व करने ही पड़ेंगे। सो फिलहाल अपनी बाइक पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है और अब शायद से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, और इसके ब्रेक लाइनर नए डाले गए हैं, फिर अपनी मीटर की जो लाइट बंद थी उसको भी सही करवाया गया, ये ऐसे हिल रहा था इसको भी मतलब कि इसमें रबर डाले गए और इसको भी नया किया गया, और जहाँ जहाँ से अपना मतलब कि इंजन में अपने ऑयल लीकेज था उसको भी मतलब सही करवाया गया, और ये वाला टायर जो है पिछला ये भी नया डाला है। तो ऐसे छोटा छोटा काम करके बहुत सारे काम निकल आए थे गाड़ी में, सब किए गए हैं, टाइम भी काफ़ी लगा और एक्सपीरियंस भी मतलब काफ़ी सही वाला रहा। तो फिलहाल आप सभी लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भाई अपनी बाइक कैसी लग रही है फिलहाल। सो अभी इसके थोड़े बहुत फ़ोटो लेंगे, रील्स बनाएंगे, अगर वो रील्स आपको देखनी है तो जाइए इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से फॉलो कर लीजिए बस। तो और आगे और भी कई सारे वीडियो बनाने हैं, तो अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। सो बहुत बोल लिया तो मैंने, बोलने की आदत भी छूट गई है मेरी। तो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज और मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। ऐसे नहीं।
तो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज और मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, और बताते हैं कि भाई मेरा गाड़ी का रिस्टोरेशन कॉस्ट कितना आया, फिर इसमें मैंने खर्चा कितना किया। सो उन सभी के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, करते हैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। आप सभी का लोगों का ख्याल रखिएगा।